मैं गुजरात भरूच का रहने वाला हूँ। शेख अहमद हुसैन नाम है मेरा। मुझे थर्ड स्टेट पर EVN है और मुझे हर डॉक्टर ने यही सलाह दी थी कि आप एक महीना दवाई खा लो, दो महीना खा लो, अगर पेन फ्री नहीं होता है तो आप रिप्लेसमेंट करवा लो। फिर मेरी ग्लोबल हेल्थ पर बात हुई डॉक्टर हरप्रसाद साहब से। उन्होंने मुझे लॉकडाउन में थोड़ी सहायता की एक्सरसाइज वगैरह में, क्या करना है क्या नहीं। और जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैं फ़ौरन यहाँ ट्रेन पकड़ के इधर चला है और मुझे 5 बार सीटिंग हो चुकी है। अहमद हुसैन बिफोर आवर ट्रीटमेंट थर्ड स्टेज क्रॉनिक AVN लाइट इग्लेसन नेक्रोटिक बोन शेप ऑफ फीमर चेंज्ड कार्टिलेज डैमेज एंड सेवियर पेन रिड्यूस जॉइंट स्पेस रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन पेल्विक टिल्टिंग सेकेंडरी आर्थराइटिस स्टार्ट्स। After 3 months, Ahmed Hussain, after our treatment, X-ray report diagnostic, no light eglesin, stop necrosis process, repairing bone, cartilage regenerate and 90% pain reduction, good space between joint, full range of motion, normal pelvic alignment, stopped arthritis process. तो एंजियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो न्योवास्कुलराइजेशन के लिए होता है और जितना अर्ली स्टेज में आप करेंगे उतना जल्दी आपका AVN के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे आपके और वास्कुलरिटी बढ़ते ही आपका बोन रिपेयर फेज में चले जाते हैं। इसमें ना तो कोई आपको मेडिसिन लेने का ज़रूरत है, ना तो कोई आपका इंजेक्शन लेने का ज़रूरत है और बोन सबसे अच्छा रिपेयर होता है। और इसमें आप देख सकते हैं पहले जो लिम्पिंग था चलने में और दर्द का वो सब अभी कुछ नॉर्मल हो गया और अभी मैं ठीक चल पा रहा हूँ और लिम्पिंग तो पूरा ख़त्म हो गया है समझो। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी AVN पेशेंट है उनको ज़्यादा समय बिगाड़ने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आया हूँ मैंने किसी का सलाह नहीं लिया था, ना आयुर्वेदिक वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन मैं फ़ौरन आ गया। वो जो पेशेंट आयुर्वेदिक का इलाज करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल उसमें आपका बोन काफ़ी डैमेज होगा। तो मेरी तो ये सलाह है कि आप जैसे ही आपका कॉन्टेक्ट होता लेजर ट्रीटमेंट से करवा लो और AVN को बिल्कुल रोक दो। एक बार AVN रुक गया तो अपने आप बोन होना शुरू हो जाएगा। और राइट साइड में थर्ड था और यहाँ सेकंड स्टेज में था और इनको हमने एंजियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ट्रीटमेंट किया और जो भी पल्स एंडियक लेजर तकनीक और एक्स्ट्राकॉर्पोरल सबपाइप के थ्रू किया गया। नॉन इन्वेसिव तकनीक है और USFDA तकनीक है और बेहतरीन रिजल्ट हमने उस 5 मंथ्स के अंदर मिले हैं और बोन काफ़ी अच्छा डेवलप किया है, बोन काफ़ी रिपेयर हुआ है और स्टार्ट करते ही इनके जो नेक्रोसिस प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया। बाकी अभी कितना क्या मूवमेंट्स वगैरह है वो चेक करेंगे। अब देख सकते हैं इसमें कम्प्लीटली रेंज ऑफ मोशन है और कोई पेन नहीं है। कोई पेन है इसमें आपको? कोई पेन नहीं है और पूरा रेंज ऑफ मोशन बहुत ही बेहतरीन है। अब इसको रोटेशन वगैरह पूरा है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत इसमें है नहीं। और इनको लिम्पिंग वगैरह होते थे उसमें कोई, अभी मैक्सिमम सबसाइड लिम्पिंग वगैरह और फुल रेंज ऑफ मोशन है, दोनों पैर में कोई इशू नहीं है। में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। तो कंप्लीट इसमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल वो है, ठीक है ना, ये है। बाकी कुछ दिक्कत है आपको अभी, ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है? नहीं, ऐसे अभी 10-20% जैसा है वो एक्सरसाइज से, 10-20% और जो प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। और इनको हमने जिम भी स्टार्ट करवा दिया, जिम कर रहे हैं अभी आराम से, तो कितना भी लोड उठा सकते हैं और जिम में भी वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई डरने वाला ऐसा कोई बात है नहीं। एडवांस ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट एंड लेजर सेंटर